أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے
कि अगर इंसान इससे ताल्लुक पैदा कर ले तो ये कुरान उसकी दुनियावी जिंदगी में एक अजीम इनकलाब पैदा कर देता है, और अगर इसको अपने जिस्म और रूह पे जारी उतारी कर लिया जाए तो यही वो वह ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को दुनिया के साथ साथ आकबत की कामयाबी की जमानत भी देता है। मगर सदहैफ इससे हम अपने ताल्लुक का इजहार तो करते हैं, इसको अल्लाह का दिया हुआ आईन और दस्तूर तो तस्लीम करते हैं, लेकिन ये सब तस्लीम करने की हद तक है। इस पे अमल पैरा होना, इसके अहकामात की बजावरी, इसके अहकामात को अपने पेशे निगाह रख के दुनिया की जिंदगी बसर करना, इसको शायद हम भूल गए। और इसी भूल जाने के सबब आज दुनिया में वो कौम जिल्लत व नकबत की जिंदगी बसर कर रही है जिसने इंसान को इंसानियत से रूशनास करवाया। अल्लाह ने इस कुरान में आदम से लेके नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक के तमाम इंसानों की वो वाकयात जो उनकी जिंदगी से मुतल्लिक हैं, जो उनके लिए कामयाबी की उम्मीद हैं और जो उनकी नाकामी का तसव्वुर बने, इन सब को कुरान में बयान किया। और मकसूद क्या था कि कुरान पढ़ के कुरान से ताल्लुक रख के मोहम्मद की कौम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वो अरूज पाए कि जिस अरूज का तसव्वुर आम तौर पे इंसान न कर सके। और आखिरत की कामयाबी और कामरानी तो इनके लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर रखी है कि अगर तुम मोहम्मद की आवाज पे लब्बैक कहो तो वहां जो कामयाबी और कामरानी तुम्हें मिलेगी, वहां जो असमत तुम्हें मिलेगी, वहां जो तुम्हारा दर्जा है इंसानियत में किसी दूसरी कौम को वो नसीब नहीं। अल्लाह ने आदम से लेके सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तमाम अंबिया को एक फिक्र दे के मबूस किया, एक सोच दे के भेजा, एक तसव्वुर दिया कि इसको इंसानों में आम करो। ये इंसान और रहमान का बुनियादी ताल्लुक है कि इंसान जिंदगी बसर करता है जिस तरह चाहे जिंदगी बसर करे, इस पे कदगन नहीं दुनियावी नुक्ता निगाह से, लेकिन अपनी आकबत के लिए उस फिक्र को अपनाए जो फिक्र अंबिया ने इन इंसानों के सामने पेश की है। सबसे बड़ी बात जिस बात के लिए इंसान और जिन को तखलीक दिया गया वो अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह की इबादत के सिलसिला में। बदनसीबी है कि शैतान ने जब आदम को सजदा करने से इनकार किया तो अपने अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि अल्लाह मुझे और इनको छोड़ दे, फिर देख के मैं इनका हाल क्या करता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम और तेरे मतियो मिनकात आग के सुपुर्द कर दिए जाएंगे और मेरे बंदों पे तेरा कोई बस नहीं चलेगा। और अपने बंदे बनाने के लिए अल्लाह ने अंबिया रसूलुल्लाह का सिलसिला शुरू किया, और हर आने वाले ने इंसान को वो वादा याद दिलाया जो आदम की पुश से निकाल के रूहों की सूरत में अल्लाह ने छीन लिया, अलफ्तो बे रब्बिकुम। और फिर ये याद दहानी के लिए अल्लाह ने अंबिया रसूलुल्लाह का सिलसिला शुरू किया। तौहीद का बयान, तौहीद की शनाख्त हर नबी ने की है, लेकिन तौहीद को जिस अंदाज से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया है
गुज़श्ता अंबिया वैसे पेश नहीं कर सके और इसको तकमील के मराहिल तक जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहुंचाया है कायनात में कोई दूसरा ये किरदार अदा नहीं कर सका। मगर बदनसीबी है कि उसी कायद को मानने वाले, उसी रसूल और नबी को मानने वाले तौहीद से ना आशना है, उनको इल्म ही नहीं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने का मकसद हयात क्या था, अव्वल मकसद क्या था, हम इसको भूल गए। और इस याद दहानी के लिए अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब अंबिया का तस्करा किया है कि उन्होंने कैसा कैसा किरदार अदा किया है तौहीद से आगाही का। ये इंसान जो अल्लाह ने मुंतखब किया है, इसने कमाल अंदाज से इंसानों के सामने तौहीद को पैदा किया। और सबसे बड़ी बात इन आयात में जो आया होती है वो ये है कि तौहीद का आलम बरदार कभी इतना सख्त नहीं होता तौहीद की तालीम को आम करने के लिए। तौहीद में तो मजबूत है, इसमें तजलजल इंसान की तबाही का सबब है, इसमें कमी, इसमें नरमी, इसमें कुताही इंसान की आकबत को तबाह और बर्बाद कर देती है। लेकिन हिकमत अमली ये कुरान ने दी है कि इदफा बिल्लती है अहसन फैजल्लजी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलीयुन हमीद। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नक्शा में जो रंग भरा है, अगर गुज़श्ता लोगों में कुछ की कोई झलक नजर आती है तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तौहीद बयान करते हुए इतनी नरमी इख्तियार की है, इतने अकल के दलायल, इतनी इलम की चीजें, ऐसी फिक्र सामने रखी है कि अक्ल व शऊर रखने वाला इससे इनकार नहीं कर सकता। इब्राहिम की शख्सियत क्या है? एक ऐसी शख्सियत जिसको अल्लाह ने उम्मत करार दिया है, यानी एक इंसान एक गुरोह की हैसियत रखता है। इस गुरोह की हैसियत रखने का सबब क्या है इसका? महज ये कि दुनिया में उठने वाली शिरक की तमाम लहरें इससे टकरा के पाश पाश हो जाती। अल्लाह के नबी ने जब लोगों को इस तरफ रागब किया, इस तरफ तवज्जो दिलाई, इस तरफ बढ़ाया, तो बड़ी हिकमत अमली से अपने बाप को वास की, उसको समझाया कि बाबा ये तुम्हारी जिंदगी कैसी है, तुम एक ज़ई शऊर आदमी हो, ज़ई फिक्र आदमी हो, फहमो फरासत रखते हो, लेकिन अजब इंसान हो कि तुम उनके सामने जबीने न्याज झुकाते हो जिनमें हिलने की ताकत नहीं, जो अपनी जगह से एक कदम उठा नहीं सकते, जो कुछ नहीं सिवाय इसके कि इनको तुमने तरतीब व तश्कील दिया है, जो अपनी पैदाइश के लिए तेरे मोहताज थे बाबा, उनको भरा के तुम मबूद और खालिक मानते हो, यह अकल की कौन की समय? बाप ने समझा कि ये मुझे मेरे दीन से, मेरे फिक्र से हटा रहा है। और आगे बुनता दादा इब्राहिम, और मुझे मेरे दीन से दूर करना चाहते हो, फेर देना चाहते हो, लार जो मन्ना का, अगर तू इस सोच को छोड़ के मेरा मती यो मिनकार ना हुआ तो पत्थर मार मार के तुम्हें संसार कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ आंखों में सुर्खी, आवाज भारी और उसमें सख्ती, मुस्कुरा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाबा
तुम अगर तौहीद से वाबस्तगी नहीं चाहते, बगावत करते हो तौहीद से और माबूदाने बातल के सामने ही झुकना चाहते हो, तो मैं अपने अल्लाह से तेरी हदायत की जरूर दरख्वास्त करूंगा। यानी बाप ने शिद्दत इख्तियार की, बेटा नरमी इख्तियार करता है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्तदा में अपने मां बाप से इस सिलसिले में झगड़ते कि मेरी समझ में यह बात नहीं आती, जिस तरह तुम इन लोगों के सामने झुकते हो, इंसानों के सामने, हजरो शजर के सामने, आखिर क्यों? बेटा इसलिए कि ये एक दूसरे के रब हैं, तेरे मुरब्बी हम हैं, तेरे रब हैं, हमारा बादशाह है, वो हमारा मुरब्बी है, रब है हमारा। इरशाद फरमाया यूं ही सही, लेकिन फिर बादशाह का रब कौन है? कहने लगे बेटा इतनी दकीक बहस नहीं करते, इतना बारीक बीनी से नहीं सोचते, रुक जाओ। ये तस्वर अगर तुमने पेश किया, बादशाह के सामने ये बात चली गई, तो इसका अंजाम बड़ा भयानक होगा। कौम डराती है इब्राहिम को, बाप आंखें दिखाता है, लेकिन इब्राहिम के अंदर एक जमीर नामी चीज है जो मजबूर कहती है कि पूछो इनसे किनकी इबादत करते हो और किस बिना पे करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नरमी नहीं करते, तौहीद बयान करने के सिलसिले में गुफ्तगू में नरमी है, तहम्मुल मजाजी है, मोहब्बत है और प्यार है। अल्लाह कहते हैं कि सारी कौम मुख्तलिफ माबूदों को मुख्तलिफ इलाह बनाए हुए सजदा रेज होती है, कोई चांद को मानता है अगला, कोई सूरज को मानता है, कोई सितारों को मानता है, कोई हजर को सजदा करता है, कोई शजर को सजदा करता है, कोई इंसानों के सामने झुकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको राह रास्त पे लाने के लिए सबसे पहले सितारा परस्तों को मुंतखिब किया। मुख्तलिफ रवायात मुफस्सरीन बयान करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ये देखा सितारे को तो कहा कि हाजा रब्बी, चांद को देखा तो कहा हाजा रब्बी, सूरज को देखा तो कहा हाजा रब्बी। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले सूरज को नहीं देखते थे, सितारों को नहीं देखते थे? फिर इस पर बहस करते हैं मुफस्सरीन, लंबी चौड़ी बनी सहेली रवायातें कि किसी गार में रहते थे, माँ ने छुपा दिया, ऐसे हुए ऐसे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसमझी की बातें हैं मेरे नज़दीक, इनके बहस करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया तिलका हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमिही, कि ये दलील हमने सुझाई थी इब्राहिम को उसकी कौम के खिलाफ कि यूं इनके साथ गुफ्तगू करो कि इनके दिल और जहन में, इनके फिक्र में तेरी बात उतर जाए। अल्लाह के नबी सितारा परस्तों में बैठे हुए हैं। अल्लाह कहते हैं फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रा कौकबन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चमकता हुआ सितारा देखा, सितारे की परस्तश करने वालों को वालहाना तौर पे सजदा रेजी करते हुए देखा। कहते हाजा रब्बी, बड़ा चमकदार है, बड़ा खूबसूरत है, यही मेरा रब हो सकता है। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा फला काला ला हिब्बुल आफिलीन, जब वो गुरूब हो गया तो मुवहद पहली चोट मुशरक पे करता है कि अजीब बात है, ये पैदा हुआ, जवा हुआ और फिर इस पे बुढ़ापा तारी हुआ, यहां तक कि ये गुरूब हो गया और इसको मबूद मानने को दिल नहीं चाहता। रब तो वो होना चाहिए जो सारी कायनात का खालिक और मालिक हो, जमाने की कमजोरियां, इंसान का बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा उसके इख्तियार में हो, कायनात की तमाम मखलूक के लिए जवाल हो,
लेकिन मखलूक को तख्लीक देने वाले खालिक पे जवाल नहीं आना चाहिए। लाहिबुल आफिलीन, इस पे तो जवाल आ गए। फरम्मा राल का मारा बाजगन काला आजर भी सूरज को चांद को चमकता दमकता हुआ देखा, चांद परस्तों में बैठे हुए कहते हैं आहा हा हा, तारीख रात को रोशन कर दिया। असल में रब ये होना चाहिए, हाजा रब्बी। खुश हुए लोग कि इब्राहिम ने हमारे माबूद को माबूद मान लिया है। इससे पहले इब्राहिम के मुतल्लिक तो आम था कि ये बागी है माबूदों का, एक ऐसे माबूद का मतलाशी है जो सारी कायनात का तख्लीक कार है और हर चीज पैदा होने के लिए उसकी मोहताज। इसने हमारे मबूद को मान लिया। फलम माफाला कुरान कहता है, जब वो भी गुरूब हो गया, परेशान होते हैं, लेकिन लम यहदिनी रब्बी लाकूल अन्ना मिन अल कौम ज़ालिम। अजीब बात है, जब बढ़ता है जमा होता है, खूब रू बनता है, खूबसूरत बनता है, उस पर जवाल आ जाता है और जवाल पजीर चीजों को दिल नहीं मानता। यानी अकलो शऊर के वो वार करते हैं कि जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, आंखें खुल जाती। बात तो इब्राहिम सही कहता है। फलम्मा रहा शम्स बाज़िगतन काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, सूरज परस्तों के पास गए। यानी हम तो है ना मवाहद बड़े जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मवाहद हैं जी। क्या है जहां शिरक की बातें होती हैं, गैर अल्लाह की इबादत की बात होती है, गैर अल्लाह की रियाजत की बात होती है, गैर अल्लाह के नज़्र व नियाज़ की बात होती है, हम मवाहद वहां बात करने की जरूरत नहीं करते। ये मवाहद वो था जिसने सारी कायनात के इंसानों को तौहीद सिखानी दी। वज़कुर फिल खिताब इब्राहिम, इसका सबब यह है कि तौहीद को जिस अंदाज से इब्राहिम ने बयान किया था, इस उम्मत से पहले किसी उम्मत में किसी नबी ने तौहीद को वैसे बयान नहीं किया था। इसी अल्लाह ने कहा वज़कुर फिल किताब इब्राहिम हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। और चांद के चढ़ने से जमीन तो रोशन हो गई लेकिन गिरी हुई सुई नजर नहीं आती थी, यह चढ़ गया है, इतने इतना रोशन कर दिया है जमाने को कि अगर सुई भी गिरी हुई है तो वो भी नजर आ जाती है। हाज़ा रब्बी, अल्लाह फरमाते हैं वो भी खुश हो। फलम्मा अफलत काला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, फरमाया तमाम लोग सुन लो कि मैं उससे बेजार हूं जो तुम अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक बनाते हो अल्लाह का। इसलिए कि इनकी तो ताकत ही कोई नहीं, इनमें हिम्मत ही कोई नहीं और ये खुद को बचा नहीं सकते। जवाल आता है इन पे, जिस पे जवाल आ जाए वो खालिक और मालिक नहीं हो सकता। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ा हनीफ़न वला अना मिनल मुश्रिकीन, फरमाया मैं तो उसको मानता हूं सबको छोड़ छाड़ के जो कायनात का वाहिद मालिक और खालिक है, कोई कमजोरी उसमें नहीं और कोई तनकीद की बात उसमें नजर नहीं आती, सबको छोड़ के मैं उसको मानता हूं। ये बात आगे चलती उस मजलिस में भी लोग बैठे हैं, वो यार इब्राहिम पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। वो कहते हैं एक ही रब है, वो हमने मुख्तलिफ माबूद बना रखे हैं, बारिश देने वाला कोई और, धूप लगाने वाला कोई और, बेटे देने वाला कोई और, बेटियां देने वाला कोई और, दौलत देने वाला कोई और, छीनने वाला कोई और, मरीज भराने वाला कोई और, सेहत देने वाला और। इब्राहिम कहते है ही एक। अजीब बात इब्राहिम करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा आगे बढ़ता है और यूं ही कदम ब कदम इब्राहिम भी आगे बढ़ते हैं। इंसान को उसका असल दुनिया में आने का मकसद बताने के लिए, तेरे आने का सबब क्या है। इस काल अले अभी है वकौम ही मा हाज़ी तमासील उल्लती अंतुम लहाकिफून। इब्राहिम कौम अपने दोस्त नौजवान साथी थे जिनके उठना बैठना था, ताल्लुक था उनसे। अल्लाह की तौहीद का आलम बरदार
अपने बैठने वालों में सबसे पहले अल्लाह की तौहीद की बात करता है। कहीं कयामत को दिन अल्लाह इसके गिरेबान में हाथ ना डाले कि मजलिस और महफिल में तेरा अदब एहतराम था, लोग तेरा रिकॉर्ड करते थे, तेरा वकार करते थे, तूने मेरी तौहीद से इनको आशना क्यों नहीं किया। कयामत के दिन ये पूछ होगी हर इंसान से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ ये तसव्वुर है, मा हाज़ी तमासीलुल्लती अंतुम लहा काफून, हमने कभी किसी को कहा है और यार इस कब्र पे झुकते हो, इस बेचारे कब्र वाले के पास है क्या? अगर इसके पास होता तो कम अज कम अपने आप को जिंदा तो रख सकता, मर तो ना जाता। और इसके पास कोई इख्तियार होता तो ये मर जाने के बाद नहाने के लिए दूसरों का मोहताज तो ना होता। इसको कफन पहनाया, उठा इस समय कि अगर ये यहां रहा तो फट जाएगा। नतीजा इंसानियत की तौहीन की सिलसिले में निकलेगा, किस सूरत में निकलेगा? उठाओ इसको, कब्र में दफन कर दो। ये सारे मामला हम करते, कब्र में जाने के बाद ये मुश्किल कुशा बन जाता है, हाजत रवा बन जाता है, मालिक को मुख्तार बन जाता है। फरमाया क्या है? मा हाज़ी तमासीलुल्लती अंतुम लहा काफून, इनके सामने इत्तेकाफ बैठे हुए हो क्यों? बताओ तो सही ना, बताएं कि आप पागल है? मुशरक अल्लाह कहते हैं, मुशरक की मत मारी हुई थी, कहते वजदना अलैहि आबाना, वजदना आबाना, हमने अपने बाप दादा को पाया है, लहा बेदीन, इनकी इबादत करते हुए, हमसे सवाल ना कर, मनाज़े की जरूरत नहीं, कुछ है कि नहीं इनके पल्ले, हमें नहीं इल्म, हमारे बाप दादा करते थे, हम भी करते। यही मक्का वालों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, हमारे आबाओ अजदाद जाहिल थे, तू बड़ा इल्म वाला अकल और फिक्र वाला आ गया, और यही आज आपसे सवाल होगा। वो जाओ बैठे, पता हमें तुम्हारा। इब्राहिम को भी यही कहा, इब्राहिम अजीब बात है तुम्हारी, तुम ये किस तरह की बातें करते हो? फरमाया तुम ही नहीं, तुम्हारे बाप दादा को भी इल्म नहीं था, वो राह रास्ते से उतरे हुए थे, यानी उनके सर पे हथौड़ा नहीं मारा। लकद कुंतुम अंतुम वआबाकुम, तुम भी और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी, फिजलाले मुबीन, रास्ते से हटे हुए थे यार, अकल और शऊर से काम नहीं लिया तुम्हारे आबाओ अजदाद ने। अगर वो सोचते समझते फिक्र करते और अल्लाह के बारे में गौर करते तो वो इसी नतीजा पे पहुंचते जिस नतीजा पे मैं पहुंचा हुआ हूं। कहने लगे इब्राहिम ये तुम सच सच बयान करते हो हकीकत के तौर पे, जब वैसे ही मजाक करते हो? फरमाया नहीं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अपने नजरियातों अकायद को सही करो। कायनात का तख्लीक कार एक अल्लाह है, तमाम चीजें उसके इख्तियार में है, लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ, उससे ताल्लुक पैदा करो, सर उसके सामने झुकाओ। दर दर पे झुकना तुम्हें शरीर और ख्वार करता है, अपने अल्लाह खालिक और मालिक के सामने सर झुकाओ। तो उसको रब मानता हूं, तुम्हें भी इसकी दावत देता हूं। इब्राहिम तुझे इस बात का एहसास नहीं, असल में तूने हमारे माबूदों की शान और अजमत को नहीं देखा, इनके मर्तबा और मुकाम से आगाह नहीं हो। चलो हमारे साथ मेले पे, उस पे चलते हैं, तुम्हें इनकी अजमत का पता चलेगा, इनके वकार का पता चलेगा, इनकी हैसियत का पता चलेगा, मेरे साथ चलो। हमारे साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा लाते, कुरान कहते हैं कि कहते हैं यार असल में ना मैं बीमार हूं। ये बीमारी क्या है? मुख्तलिफ मुफस्सिरीन मुख्तलिफ लिखते हैं कि नहीं नहीं कुछ वक्त के लिए वो बीमार जरूर हुए थे, पहले थे या उस वक्त हुए या बाद में हुए थे इब्राहिम, नहीं ये नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है इसका मतलब ये है कि तुम तौहीद से आगाह होने के बावजूद तौहीद के बागी हो, और तुम्हारी आकबत की तबाही मुझे गमगुसार करती है, मुझे गमखार करती है, मैं गमगीन होता हूं, तुम्हारा गमगार हूं, तुम्हारा गमगुसार हूं, और तुम्हारी गमगुसारी की बिना पे मैं ये तुम्हें कहता हूं कि तुम तबाह हो जाओगे, हमेशा के लिए तुम्हें जहन्नम की आग में गिरा दिया जाएगा। बैसीयत गमगुसार में तुम्हारे सामने ये बातें करता हूं कि बच जाओ इससे।
और अगर ऐसा नहीं तो कुरान कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तल्लाही लाकीदन्ना असनामकुम बादा अन तवल्लू मुदबिरीन, फरमाया अगर मेरे दलाइल तुम्हारी समझ में नहीं आते तो ऐसा किरदार अदा करूंगा कि ये एक एटम बम होगा तुम्हारे लिए जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। इनके सामने झुकते हो, इनसे खौफ ज़दा रहते हो, इनसे डरते हो, क्यों? तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से ये खौफ इस अंदाज से निकाल लूंगा कि कभी खौफ तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। इब्राहिम की बीमारी वो परेशानी थी जो कौम के आग में गिरने के तसव्वुर पे इब्राहिम के दिलो दिमाग में छाई हुई थी। इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद की बीमारी कहा, छोड़ के चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, बुतखाना में जाते, कुंडी खोली, फराग आलिहतिहिम फकाला अला ताकुलून, जाके देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो तरह तरह के खुशबूदार खाने पड़े हुए, उसकी खुशबू आती है भीनी भीनी। आगे बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा सब कुछ, क्या बात है, तुम खाते क्यों नहीं हो? अब मालकुम ला तंतकून, कुछ नहीं तो मेरी बात का तो जवाब दो। और मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें माबूद समझ के तुम्हारे सामने ये बेहतरीन किस्म के खाने और तुम खामोश हो, क्यों नहीं खाते, बोलते क्यों नहीं हो? अब बोले कौन? फराग अलैहिम ज़र्बन बिल जमीन, तौहीद का आलम बर्दार गुस्से में आया, हाथ में कुल्हाड़ा था, अल्लाह कहते हैं दाएं हाथ से वार करने शुरू कर दिए। फजानहुम जुजाजन इल्ला कबीर अल्लाहुम, तमाम माबूदों के, तमाम मुश्किल कुशाओं के, तमाम हाजत रवाओं के टुकड़े उड़ा दिए, एक बड़ा रहने दिया। और कुरान कहता है कि कुल्हाड़ा उसके कंधे में रख दिया, लअल्लहुम इलैहि यरजऊन। मुफसरीन इलैहि की जमीर बास तो उस बड़े बुत की तरफ ले जाते हैं कि इसकी जमीर उधर राजे है, बस कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, लअल्लहुम यरजऊन। इब्राहिम ने तमाम बुतों को तबाह कर दिया, बड़ा इसलिए रहने दिया कि वो उसकी तरफ रुजू करे, और दूसरे मुफसिर कह रहे इसलिए रहने दिया कि वो इब्राहिम की तरफ रुजू करे। और कुरान का जो अंदाज है बयान का यही नजर आता है कि इब्राहिम ने बड़े को मैं इसलिए छोड़ दिया था कि मैंने इनके सामने कोई दलील रखनी है और दलील इतनी भारी और मजबूत होगी कि ये उसको कबूल करेंगे। तोड़ फोड़ दिया उनको और सुकून से आके घर में लेट गए। ये लोग फारिग होके आते मैदान से, सारे बाबे यहां छोड़ गए, उस बाबे के उस पे गए थे, उस बाबे की अस्मत और शराह करते रहे। इन बाबों को एक मवहद ने ढेर कर दिया, आए आगे कुंडी खोलते हैं, नजर पड़ती है तो पागल हो जाते हैं। तूफान आया शिरक के दरिया में, जमीन कांपी मुशरक की, आसमान थरथराया मुश्किल का, उसके तमाम आका तमाम खुदा ढेर पड़े हुए थे। उनके तो तसव्वुर में भी कभी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ओ मालिको मुख्तार, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हमें बच्चे देने वाले, रिजल्ट देने वाले, इतनी ताकत देने वाली कोई कौम हमारा सामना नहीं कर सकती, ये माबूद इस तरह ढेर की सूरत में पड़े। मन फाल हाजा ब्याल हतेना इन्नहु लमिन अज़्ज़ालिमीन, परेशान हो गए, ये किसने किया है? वो तो बहुत बड़ा जालिम है, इतना जालिम, सारे मबूदों को तबाह कर दिया। कुछ लोग कहते यार एक नौजवान के मुतल्लिक हमने सुना है
ابراہیم کا ذکر کرتا ہے. وہ کون ہے؟ یقال لہ ابراہیم. ابراہیم اس کو کہتے ہیں، ابراہیم اس کا نام ہے. فاتو بہی علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہنے لگا لاؤ ایسا باغی اور جس کو اتنا خیال ہے تمام معبودوں کو تباہ کر دیا اس نے، بیڑا غرق کر دیا سارے معبودوں کا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر اترا ہوا ہے، کسی کا پاؤں اترا ہوا ہے، اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہمارا. لو جی معبودوں کے متعلق عابد کہہ رہے ہیں، اور مشکل کشاؤں کے متعلق، حاجت رواؤں کے متعلق، ساری کائنات کے خالقوں کے متعلق، جن کے متعلق خیال ہے سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، کہتے ہیں ان پہ بڑا ظلم ہوا ہے اور ان کے ساتھ یہ کام کرنے والا تو انتہائی ظالم آدمی، عبرتناک انجام بنا دو اس کا، اس کو لاؤ لوگوں کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام آرام سے سوئے، کام جو تھا کر دیا، اور توحید کا پیغام جس بنیاد پہ دینا تھا، جس کو کائنات کی کوئی بھی ذی عقل اور ذی شعور شخصیت جس کا انکار نہیں کر سکتی تھی، وہ دلیل ابراہیم علیہ السلام رکھ دیا تھا. فاتو بہی علی اعین الناس، لاؤ اس کو. یہ روتے چیختے چلاتے آنسو بہاتے ہیں، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے گھر جاتا ہے جو انتظار میں ہے کہ ابھی آئیں گے. کنڈی کھٹکھٹائی، کون ہے؟ بہراؤ ابراہیم علیہ السلام ہے. کیا بات ہے؟ میں تجھے کچھ نہیں بتانا چاہتا، آپ بادشاہ تجھے بتائے گا. لوگ اکٹھے ہیں وہاں. کہاں لوگ اکٹھے ہیں؟ معبد خانہ میں، اور جہاں معبودوں کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، جہاں مشکل کشاؤں کے سامنے تکلیفیں پیش کی جاتی ہیں، جہاں حاجت رواؤں کے سامنے حاجت پیش کی جاتی ہے، ان حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے پاس چلو ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں. بیٹھ جاؤ ابراہیم، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو، پردہ اٹھایا، ٹوٹے بت پڑے ہوئے ہیں. ابراہیم کا دل مسکرایا کہ ساری زندگی جو تمہیں سمجھانا چاہتا تھا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، آج تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہتا ہوں. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اور ہمارے معبودوں کا بیڑا تو نے غرق کر دیا ہے. سینکڑوں کی صورت میں معبود، توحید کا ایک پرستار، سینکڑوں معبودوں کو اپنی جوتیوں کی نوک سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور کوئی مشکل کشا ہوں بھی اس کے سامنے نہیں کرتا. اگر توحید سینے میں زندہ ہو، ان کا رب سامنے ہوں نہیں کرتا، ان کی عبادت کرنے والوں کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ منتیں سماجتیں کرتے ہیں بیچارے، بچاؤ 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 کرتے ہیں. ربوں کو بچاؤ، مشکل کشاؤں کو بچاؤ. کیا ہے؟ انت فعلت ھذا، اور یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں ان کی طرف، کہتے ہیں کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو، یہ ان کا بڑا ہے، اس نے کیا ہوگا، اس کو پوچھو، اس سے کہو، کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ بڑھا ہوا ہے، پوچھتے مجھ سے ہو، اور کہیں یہ غیرت میں نہ آ گیا ہو کہ میں اتنا بڑا ہوں، میری بھی پرستش ویسے ہی ہوتی ہے اور ان چھوٹے چھوٹوں کی بھی پرستش ایسی ہوتی ہے، غیرت میں آ جاؤ، غصے میں آ گئے، اس نے چھوٹے چھوٹوں کا کام تمام کر دیا ہوگا. فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ھَذَا، اس سے پوچھو. قوم خاموش ہے، زبان نہیں ہلاتے، اس سے پوچھو. پھر کہا اچھا، چور چوری کر کے نہیں مانتا، اس نے تمہارے معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ان کو خاک میں ملا دیا ہے،
फसलूहुम इन कान यंतकून, फरमाया ये नहीं बता रहा बदमाशी कर रहा है तो इनसे पूछो जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। अल्लाह कहते हैं कि इब्राहिम की इस चोट ने उनको पागल और दीवाना कर दिया। फराजाऊ इला अनफुसिहिम कालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, कहने लगे ओ मबूदों के टुकड़े उड़ाने वाले को जालिम कहते हो, जालिम तो तुम हो। फराजाऊ इला अनफुसिहिम कालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, कहने लगे टुकड़े उड़ाने वाला जालिम नहीं है, जालिम तो हम हैं जो बेजानों की इबादत करते हैं, जो अपना दिफा नहीं कर सकते, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, जो खुद को बचा नहीं सकते और जो अपने आप को मौत से बचा नहीं सकते। हम उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझ के उनके सामने जबीने न्यास देते हैं, उनके सामने हम नजर पेश करते हैं, न्यास पेश करते हैं, उनको खालिक समझते हैं, उनको मुश्किल कुशा समझते हैं, और बेवकूफ जालिम और गुमराह लोग तो हम हैं, वो जालिम नहीं है। और मुशरक की ये सोच कभी उसको कामयाब नहीं होने जाती, जब बदल जाती है तौहीद वाले के दलील के वास्ते। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कितना आसा खामोश है, फराजा ईरान फुसिम यानी अपने दिल में डूब गए, जो इकबाल ने कहा है अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, जो दिल में डूब जाता है वो जिंदगी के रास पा लेता है। ये भी डूब गए सुमरनों के सुअलाराओं से हम सर झुका लिया। और गैर अल्लाह की इबादत करने वालों ने तौहीद वाले की लगाई हुई चोट के सामने सर झुका, ऐसे ही है जैसे एक चोर थाने में चला जाता है, मजहब आदमी शरीफ आदमी उसकी सिफारिश के लिए चला जाता है, ऐसे जो कहते हैं कि चलो तुझे मुजरम से मिलाता हूं, मुजरम से मिलते हैं और तूने ये काम किया है तो वह सर झुका देता है। ऐसे ही चोरों की तरह सर ये लोग भी झुकाते हैं। अल्लाह के अलावा गैर की परस्तश करने वाला ना अकल रखता है ना शऊर रखता है, दलायल के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ता है कि दलील उसके पास कोई नहीं होती। अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सर झुकाने की, उसकी इबादत करने की, उसके लिए नजर न्याज देने कोई दलील नहीं है। सुम मनो के सुअल आ रहा उसे लकद अलिमता माउलाकून, इब्राहिम अब हमको इतना जलील तो ना करो जितना जलील कर रहे हो कि ये बोलते नहीं है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इससे पूछो इनसे पूछो, इब्राहिम तुझे भी पता है ये बोलते नहीं है। फरमाया फता बदूना मिनतूर अल्लाह के अलावा इनकी इबादत करते हो, माना जनफाकुम वला जुजुरकुम, ना तुम्हारे नफा के मालिक ना तुम्हारे खाते के मालिक और ना तुमको बचा सकते हैं, ने अपने आप को बचाते हैं। उफ्फिल लकुम वले मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अफसोस है तुम पे, इतने गैर गुजरे इंसान हो गए हो, ना अकल तुम्हें है ना शौक तुम्हें है कि जो खुद से मौत को टाल ना सके वो तुम्हारी मौत को तुमसे किस तरह दूर कर सकते हैं, जो अपनी मुश्किल दूर ना कर सके वो तुम्हारी मुश्किल कैसे दूर कर सकते हैं। तुम्हारे मुश्किल कुछ अभी सारी जिंदगी मुश्किलों में पड़े रहते हैं, हम नहीं मानते बलील मुर्तजा मुश्किल कुशा थे, और ऐसे मुश्किल कुशा थे अल्लाह उन पर राजी हो जाए, ऐसे मुश्किल कुशा के सारी जिंदगी मुसीबतों से निजात मिली नहीं। अल्लाह ने कहा मैं अपने महबूबों को इस फितना में इसलिए डालता हूं, इस आजमाइश में इतने डालता हूं ताकि पता चल जाए कि ये नहीं इनके अलावा कोई और है। फरमाए उनकी इबादत करते तुम पे अफसोस है, तुम्हारे आबा अजदाद पे अफसोस, तुम्हारे माबूदों पे अफसोस है, किनकी इबादत करते हो। दलायल दे रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मवहद के दामन में दलायल का अंबार होता है, समुद्र होता है, मवाहद कभी गुस्से में नहीं आता, जोश में नहीं आता, बल्कि होश के साथ ऐसे दलायल पेश करता है कि मुशरक पागल हो जाता है। कहने लगे इसकी दलायल की तो इंतहा नहीं, सारे लोग इब्राहिम की बात ना मान ले, हल्लकू हो वंसरू आलिहताकुम, आखिर तुम्हारा मुशरको
तुम्हें अपने माबूदों की मदद करना पड़ती है, उनको बचाने के लिए मुवहद के हाथ से खुद जिद्दोजहद करना पड़ती है। तुम्हारा माबूद इस काबल नहीं है। अल्लाह की कसम, माबूद बाबल का हो या काबल का हो, पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, और तुम्हारे माबूदों को तुम्हारी मदद की जरूरत पेश आती है। मवाहद के माबूद को कभी किसी की मदद की जरूरत पेश नहीं आई। सगलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले काबातुल्लाह को गिराने के लिए अब्रहा आया। माबूदों का तकाबली जायजा तो लो, जिन माबूदों को तुम मानते हो अब भी कहते हैं इनको पकड़ो, इनकी सुनो ही ना, इनकी सुनो ही ना। और वो कुरान सुनाते हैं, कहते हैं क्या कुरान सुनाते हैं, कुरान सुना सुना के लोगों को गुमराह करते हैं। अल्लाह कहता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। मुशरिक कहता है कुरान सुना सुना के मवाहद गुमराह करते हैं। अल्लाह कहता है ये हदायत देने वाली किताब, और हदायत ये है कायनात में कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है, मालिक है, मुख्तार है, हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, सब कुछ इसके इख्तियार में है, तमाम कायनात के इंसान मोहताज हैं। अल्लाह हर हाजतमंद की हाजत रवाई करता है। हर रकू हो, अब भी कहते हैं बचाओ अपने माबूदों को इनसे। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ दिन पहले अब्रहा काबे को गिराने के लिए आता है। काबा के करीब आया, उसके फौजी अब्दुल मुतलब के ऊंट ले गए, जो काबातुल्लाह का मुतवल्ली है, अल्लाह के नबी का दादा। जल्दी जल्दी गए, बड़ा खूबसूरत नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुश्त दर पुश्त जिसकी पुश्त से आ रहे हैं वो कितना खूबसूरत होगा, जलालत है उसके चेहरे पे। जाता है अब्रहा के पास, उनके चेहरे को देख के अल्लाह का दुश्मन काबा का दुश्मन भी मुअद्दब हो जाता है कि खूब रूह हसीन जवान बारोब इंसान सफेद दाढ़ी वाला आ रहा है। कहा पीछे पीछे हट जाओ, जगह दी अब्दुल मुत्तलिब को, बैठो, कैसे आना हुआ। इरशाद फरमाया कि तेरे फौजी मेरे ऊंट ले आए हैं, मेरे ऊंट वापस दो। देखते उसकी तरफ, कह रहा है मैंने तो तेरा बड़ा अदब किया था, तू मक्का का सरदार है, मक्का का कायद और लीडर है, तू आके मुझे मिन्नत करेगा, समाजत करेगा कि काबा को गिराओ ना, और कैसा तू सरदार है, अपने ऊंटों को रो रहा है तू, मैं तेरे काबे को गिराने आया हूं। आंखें उठाई, इरशाद फरा अना रब्बुल लेबेले वबिल बैत रब्बुन, मैं ऊंटों का मालिक हूं, इस घर का भी कोई मालिक है, करेगा खुद हिफाजत इसकी जो इस घर का मालिक है, कि जो इस घर का मालिक है वो पहलो भर का मालिक है। इरशाद फरमा जाओ तुम, मुझे और अब्रहा को छोड़ दो, मेरे घर पे अटैक करने वाला कभी चार कदम आगे नहीं बढ़ सकता। अब्रहा ने अपने हाथी वालों को हुक्म दिया आगे बढ़ो, काबे में नजर पड़ी, हाथियों ने जमीन पे सर रख दिया, उठाओ इनको, छोड़ दो बुजदल हाथियों को, आगे बढ़े। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, वाशर अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहजारत मिन सिज्जील फजअलहुम कसिमाकुल। फरमाया काबा की तरफ बढ़ने वालों पे छोटी छोटी चिड़ियों ने पत्थर बरसाए, उन्हें ऐसे कर दिया जैसे खाने वाले जानवर का बचा हुआ भूसा होता है। यह है मालिक, यह है मुख्तार, जो अपने काबे की हिफाजत करता है, अपने बंदों की हिफाजत करता है, और मुवहद का रब अपने बंदों की हिफाजत भी करता है, अपने घर की हिफाजत भी करता है। लेकिन मुशरक का मुश्किल कुशा ना इसको बचा सकता है ना अपनी जान को बचा सकता है। देर कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पकड़ो इनको, हर यकू हो वन चरु वाले हताकुम, मबूदों की मदद करो। मुश्किल कुशा बेचारे फंस गए, हाजत रवाब फंस गए हैं, देने वाले फंस गए हैं,
और लेने वाले कहते हैं बचाओ अपने देने वालों को, उठाओ और आग में फेंक दो इब्राहिम को। कुरान कहता है इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम को आग में डालने के लिए सारे काफिर इकट्ठे हुए, मंजनीक में डाला, इब्राहिम को आग में डाल दिया। इब्राहिम आग में गिर रहे हैं, अल्लाह बराए रास आग को आवाज देता है या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग मेरे मवहद बंदे पे ठंडी हो जा, और सलामती वाली ऐसी ठंडी नहीं जो फरीजा ठंडा होता है बर्फ जमा देता है, फरमाया नहीं ऐसी ठंडी हो जो सलामती वाली हो। अल्लामा इब्ने कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला, अल्लाह ने आग को ठंडा होने का हुक्म दिया, और सिर्फ ठंडा होने का नहीं साथ सलामती का भी हुक्म दिया। इरशाद फरमाया इब्राहिम को कोई तकलीफ उस आग में नहीं आई, सिर्फ इतना था कि इब्राहिम को कभी पसीना आ जाता था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया और मेरे लिए जान की बाजी लगाने वाले अपने पसीने को भी तू अपने हाथ से ना साफ कर, मैं जिब्रील को भेज रहा हूं, जिब्रील पसीना साफ करता है। और तौहीद परस्त आग भी अल्लाह का इतना महबूब होता है कि मुश्किल में पड़ जाए वो मुश्किल कुशा उसको खुद पहुंचाता है, जिब्रील आते आसमान और जमीन के दरमियान हायल होते हैं। इब्राहिम कोई हाजत है, अल्लाह का फरिश्ता कुरान नाजल करने वाला अंबिया पे आने वाला फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान आता है। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि वो कहता है कोई हाजत है, इरशाद फरमाया जिब्रील हाजत तो है लेकिन तेरे साथ नहीं, हाजत रवा के साथ है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कहते ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, और तौहीद ऐसी जैसी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तौहीद क्या है जो हम तौहीद लिए फिरते, बात करने की जरूरत नहीं मुशरिक के सामने। उसने लता दिया मुस्लिम मुशरिक को और बताया दुनिया को कि मवाहद कैसा होता है। सगालैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबी अबू हुरैरा कहते हैं कि इब्राहिम के बाप ने अपनी जिंदगी में बेहतरीन जो बात की थी वो सिर्फ एक की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग से निकलते हैं, आग मद्धम हो गई, इब्राहिम आग से निकले मुस्कुराते हुए, जमीन पे पसीना था साफ करते हुए, सामने बाप खड़ा है, अब वियत खड़क गई कि इतनी देर आग में रहने वाला इंसान यूं मुस्कुराता हुआ बाहर आ रहा है। अय्या इब्राहिम इन्ना का रब्बुन करीमुन कबीर, इब्राहिम सारी दुनिया में रब तो है लेकिन तेरे रब का कोई जवाब नहीं, जिसने इस आग में भी तुझे महफूज करके रखा था। काब अहबार कहते हैं कि जब अल्लाह ने कहा या नारो कूनी बर्तम वसलाम अला इब्राहिम, तो सारी दुनिया में जहां जहां आग मौजूद थी आग से फायदा लेने वालों को उस दिन आग से कोई फायदा नहीं हुआ। और सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं रवायत में 40 दिन या 50 दिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में रहे। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की कसम ये 40-50 दिन जो मुझे सुरूर और मजा आया है बाकी जिंदगी में कभी वो मजा नहीं आया, और मेरा दिल चाहता है काश ऐसे ही वो आग भड़कती रहती और मैं उस आग में रहता। इतना सुरूर था मवाहद को उस आग में जिसमें सजा देने के लिए मुशरक ने उसको डाला। कुरान कहता है कि मुशरक जलील और ख्वार होता है, नादम होता है, और आखिर तौहीद का परचम बुलंद होता है, और मवाहद मुस्कुराता है कामयाबी और कामरानी के परचम बुलंद करता है। फरमाया तौहीद परस्त को कभी परेशानी तो आ सकती है लेकिन कामयाबी अल्लाह ने इसके दामन से वाबस्ता की हुई है। इसलिए मुसलमानों मोहम्मद के दामन से वाबस्ता रहने वालों तौहीद से यूं वाबस्ता हो जाओ जिस तरह मोहम्मद रसूल तुम्हें वाबस्ता करना चाहते थे। और अल्लाह के नबी कैसे करना चाहते थे कि एक शख्स कहता है
माशाअल्लाह वशा मुहम्मद, जो अल्लाह चाहे। और मोहम्मद इरशाद फरमाया, सालम इंसान तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है। ला तकूलु माशाअल्लाह वशा मुहम्मद बल माशाअल्लाह वहदहु, ये ना कहो जो अल्लाह चाहे और मोहम्मद चाहे, बल्कि होता वो है जो अकेला अल्लाह चाहे। ये तौहीद मोहम्मद रसूलुल्लाह दी है। फरमाया जिसके दामन में ये तौहीद है वो अल्लाह का महबूब और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला सही मोमिन उत्कानत, जिसके कदमों में डगमगाहट आ जाती है। फरमाया उसकी दुनिया भी तबाह तौहीद की बर्बादी की बिना पे, और उसकी आखिरत भी तबाह। कुरान के ये तमाम कसाइफ और तमाम वाकयात हमें इस बात की तरफ रागब करते हैं, तवज्जो दिलाते हैं कि तौहीद का पौधा तेरा मजबूत होगा तो तेरे छोटे मोटे गुनाह वैसे ही अल्लाह ने माफ़ कर देने। अल्लाह मुसलमान को सही मुवहद बनने की तौफीक अदा फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।